ये देखिए, इसे देखते आप समझ गए होंगे कि ये गाजर का हलवा है। बहुत ही टेस्टी बना है। इसको बनाने के लिए ना तो हमने इसमें दूध इस्तेमाल करा है, ना हमने इसमें मावा इस्तेमाल करा है, और ना ही गाजर को ग्रेट किया है, और ना ही कढ़ाई का यूज़ करा है। बहुत ही डिफरेंट तरीके से हमने ये गाजर का हलवा बनाया है। आप अगर इसे बनाना चाहते हैं तो चलिए मेरे साथ शुरू कीजिए। नमस्कार, मैं प्रतिभा आप सबका स्वागत करती हूँ हंगर कॉर्नर में। आज हम बनाने जा रहे हैं गाजर का हलवा, जिसके लिए मैंने गाजर को गोल गोल काटा है, ग्रेट नहीं किया है, गोल गोल काटा है, और बहुत ही टेस्टी हलवा बनाने जा रहे हैं हम। गाजर को आप अच्छी तरह से धो के छील लीजिएगा और इस तरीके से सारी गाजर आप काट लीजिए। गैस पे हमने कुकर रखा है और उसमें हम ये देसी घी डालेंगे। करीब एक बड़ा चम्मच हमने देसी घी डाला है और उसी में ये गाजर डाल देंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। कुकर का ढक्कन लगा के बिल्कुल धीमी आंच पर एक सीटी लेंगे। पानी भी नहीं डालना है, धीमी आंच पर हम लगाएंगे तो इस गाजर का जो पानी होगा उसी से ही गाजर हमारी पक जाएगी। आप गाजर को इस तरीके से प्रेस कर लीजिए, गाजर बिल्कुल रेडी हो जाएगी हलवे के लिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे एक कटोरी मिल्क पाउडर। मिल्क पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर लीजिए। और ऐड करेंगे एक कटोरी मलाई, दूध की मलाई। अगर आपके पास मिल्क पाउडर नहीं हो तो मिल्क मेड भी ऐड कर सकते हैं, और अगर मिल्क मेड भी ना हो तो आप मलाई की कटोरी एक की जगह दो कर सकते हैं। अब हम इसे इसी तरह से पकाएंगे करीब 10 मिनट तक। बस बीच बीच में आप चलाते जरूर रहिएगा, क्योंकि मिल्क पाउडर के लगने की चांसेस हो जाते हैं। दस मिनट हो चुके हैं और हम इसमें शक्कर डालेंगे, जितनी हमने मलाई ली थी उसकी आधी। मीठा आप अपने स्वाद के अनुसार कम ज्यादा कर सकते हैं। अब इसको भी हम 10 मिनट तक इसी तरह से पकाएंगे। ये घी में हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स को गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे। और इसको भी हलवे में ऐड कर देंगे। और ऐड करेंगे किशमिश और पिस्ता। ये लीजिए, गाजर का हलवा हमारा बिल्कुल रेडी है। बहुत ही इजी तरीका मैंने आपको बताया है, एक बार आप जरूर ट्राई कीजिएगा। ये लीजिए, गाजर का हलवा बिल्कुल रेडी है और बहुत ही टेस्टी बना है। आप इसे जरूर ट्राई कीजिएगा, और अगर मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए, जिससे कि मेरे नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। प्लीज़ शेयर भी कीजिएगा। थैंक यू।